अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और फाइनली लॉकडाउन ख़त्म हो गया, शुक्र अल्लाह का कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ। और जी, हम लोग घर पे बैठे बैठे बोर हो गए थे, तो मैंने अपनी बहनों के साथ प्लान बनाया, और साथ एक नेबर थी, फ्रेंड थी, उसके साथ प्लान बनाया कि हम लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ खा पी कर आते हैं, थोड़ा मज़ा करके आते हैं। तो हम लोग करीबी बहरिया है, हमारे सोसाइटी के साथ ही लगता है, तो हम लोग बहरिया चले गए थोड़ा सा एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, बहुत मज़ा आया, और यहाँ का खाना वाकई ही बहुत मज़े का था। और अभी हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे कि ऑर्डर दे चुके थे हम लोग, तो अभी ऑर्डर आया नहीं था। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा सोचा कि हम बाहर जाके, व्यू अच्छा है तो हम पिक्चर्स वगैरह ले लेते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर गए, और हमने जितनी देर में 10-15 मिनट्स में हमारा ऑर्डर आ गया था, हमने उतनी देर में पिक्चर्स ले ली। और सूप मेरी बहन का था, लेकिन टेस्ट मैंने भी किया था, बहुत मज़े का इनका सूप था। और बर्गर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, बहुत ही मज़े का बर्गर था, यकीन करें, बहुत ही हैवी स्टफ था, चिकन स्टफ था, और बहुत ही मज़े का था। और ये था इनका सूप, इनका सूप वाकई में ही बहुत मज़े का था। था तो एक ये मिनी बाउल, लेकिन ये काफ़ी मज़े का और काफ़ी ज़्यादा था, देखने में लग रहा था कि काफ़ी क्वांटिटी कम है, लेकिन काफ़ी मज़े का था। मौसम बहुत मज़े का हो रहा था, हवा चल रही थी थोड़ी, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर आके और वॉक, ऐसे ही सामने जगह थी तो हम लोग, कार पार्किंग थी, उधर ही हम लोग खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, ऐसे वॉक कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे। तब भी पिक्चर्स नहीं ख़त्म हो रही थी हमारी। 7-8 महीने के बाद इस तरह घर से निकलना, इतना अजीब लग रहा था, ऐसा लग रहा था सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन बहुत मज़ा आया, थोड़ा सा रिलीफ मिला, क्योंकि घर पे बैठ बैठ कर बंदे का वैसे ही कुछ करने को नहीं होता, घर पे बंदा करे क्या, थोड़ा सा आउटिंग होगी, मज़ा आया। और अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तू इश्क के सारे